हेलो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं आपको सॉरी बोलता हूँ क्योंकि इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसका क्वालिटी कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया, तो इसीलिए मैं फिर से एक दूसरा वीडियो बना रहा हूँ उसी टॉपिक पे। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट निकालने का एक तरीका है जो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मुझे 144 का स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब हमें पता करना है ये किसका स्क्वायर है। तो सबसे पहले 144 का यूनिट से लेके जो भी नंबर रहेगा उसका यूनिट से दो दो का जोड़ा लगता है, तो यूनिट से इसका दो जोड़ा लगा तो 44 हो गया, बचा 1। अब हमें दो लाइन खींचना है और एक ऐसे लाइन खींचना है सब में। अब पता करना है हमें ये जो 1 जो है किसका स्क्वायर करने पे, स्क्वायर रूट है तो किसका स्क्वायर करने पे इससे कम होता है या इतना होता है। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, इससे ज़्यादा हो गया, लेकिन 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो जिसका स्क्वायर करने पे भी होता है उसको 3 जगह लिखते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, 1 2 3। अब ये साइड जो रहता है हमेशा प्लस होता है, यहाँ पे लास्ट में आपका जितना आएगा उसका आधा यहाँ आंसर होता है। तो ये दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे होगा 2, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ होगा 1। 1 1 जा 1, यहाँ पे प्लस हुआ, इसको 3 जगह लिखते हैं, 1 2 3, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो होता है वो इधर लिखते हैं, यहाँ भी 1 था यहाँ भी 1, तो माइनस करेंगे तो 0। अब बचा क्या, 44। एक 4 सिर्फ नहीं उतरेगा, दोनों 4 साथ में उतरेगा क्योंकि दोनों जोड़ा लगा है, तो यहाँ भी 4 यहाँ भी 4। अब यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना है जो इसको इसी से इंटू करने पे इतना हो, मतलब जैसे यहाँ पे हम अगर 1 लिखते हैं तो यहाँ हमें 1 लिखना पड़ेगा, मतलब 21 1 जा ही करना पड़ेगा। अगर 2 लिखते हैं तो 22 2 जा ही लिखना पड़ेगा, तो अगर 3 लिखेंगे तो 23 3 जा लिखना पड़ेगा, समझ लिए। ऐसे मतलब यहाँ जो लिखेंगे वही यहाँ पर लिखना है। अब तो देखते हैं, यहाँ पर अगर 1 लिखेंगे तो 21 हो जाएगा, लेकिन 2 लिखेंगे तो 22 2 जा 44 हो जाएगा, तो हमें वही तो करना है। तो 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, 3 जगह, 1 2 3। अब 22 2 जा कितना होता है, 44, मल्टीप्लाई करने पे जितना होता है वो अंदर, जैसे 1 1 जा 1 हुआ। अब ये वाला प्लस हो गया तो 24 हो गया, देखिए यहाँ 12 है यहाँ 24, तो आ गया इसका आधा यहाँ पे, तो ये वाला आंसर होता है मेरा। अब सेकेंड लेते हैं 73 56, यूनिट से दो नंबर, ये दोनों और ये दोनों, तो किसका स्क्वायर करने पे 73 से कम होता है। तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 8 का स्क्वायर, तो 8 8 8, 3 जगह लिखिए, ये यहाँ प्लस होगा तो हो गया 16, 8 8 जा 64, माइनस करेंगे तो 9 56। एक मिनट गाइस, सॉरी गाइस, 73 56 किसी का स्क्वायर नहीं है, 96 है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब यहाँ अगर 6 लेंगे, 3 जगह लिखेंगे, 1 2 3। अब यहाँ प्लस करेंगे तो हो जाएगा ये 12 6 7 1, यहाँ भी देखिए 2 8 जा 16, 2 3 जा 12, 86 इसका आधा हुआ, 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 जा 36, 37 38 39, 3 6 6 7 8 9, तो आ गया, माइनस करेंगे तो 0 0 0। जब तक 0 0 0 ना आए हमें सॉल्व करते रहना है, तो 0 0 आ गया और ये वाला आंसर होता है। और अगला लेते हैं 72 25, यूनिट से दो इधर दो, किसका स्क्वायर करने पे 72 से कम होता है। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का 81 होता है, 9 का इससे ज़्यादा हो गया तो 8 लेंगे, 8 8 8, प्लस करेंगे तो 8 8 16, 8 8 जा 64। अब माइनस करेंगे तो होगा 25। अब यहाँ 5 लिखेंगे,
आ गया दोस्तों, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक्स गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।